अस्सलामुअलैकुम, साइम तारिक प्रॉपर्टी माहिर की तरफ से एक बार आपकी खिदमत में हाजिर है। जनाब, करंटली हम बैरियटाउन फेज 8 में हैं और हमारे सामने आप पीछे देख सकते हैं वो मौका कैफ़े है, यहाँ पे हमारे पीछे KFC है, इधर आप देखें मैकडोनल्ड्स है और वो सामने ग्रीन वैली है। इसी में जो सामने प्लाजा है, ये जो आप देख रहे हैं ये मौका और इसके साथ है मेराकी, ठीक है। इसके टॉप पे थर्ड फ्लोर पे बैक साइड की तकरीबन 750 फीट की एक शॉप हमारे पास अवेलेबल है। बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट, मेरा ये ख्याल है कि यहाँ पे अगर आप कभी वीकेंड पे आएँ या शाम के टाइम आएँ तो इधर इतनी गाड़ियाँ होती हैं, यहाँ ट्रैफिक जैम हुआ हुआ होता है। और इस स्पॉट में KFC के बिल्कुल साथ अगर टॉप पे आपके पास यहाँ पे शॉप हो तो वो आपको बहुत अच्छा रेंटल दे सकती है, एक बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट है। और करंटली मार्केट में जो रेट चल रहा है उसके अगेंस्ट ये बहुत कम रेट पे आपको अवेलेबल हो जाएगी। और ये है कैश के ऊपर, इसमें इंस्टॉलमेंट नहीं है। वैसे अदरवाइज यहाँ पे इंस्टॉलमेंट में बहुत प्यारी चीज़ें हमारे पास अवेलेबल है, लेकिन ये कैश पर है। और ये 25,000 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट, ये तकरीबन आप कह लें कि 1,70,00,000 से कम की बनती है। और इसकी रेंटल वैल्यू जो है वो 80,000 से 85,000 रुपये है, जो कि ये तैयार शॉप आपको फ़ौरन रेंटल देना शुरू कर देगी। मज़े की बात ये है कि यहाँ पे ब्रांड्स आ रहे हैं और इस शॉप के साथ जो है वो रूफ टॉप भी आपको मिल जाता है और बैक व्यू भी मिल जाता है। और तीन शॉप्स बेसिकली इस फ्लोर के ऊपर बनती हैं, एक साइड पे तीन शॉप, दूसरी साइड पे जो भी ब्रांड आता है वो तीनों की तीनों शॉप्स लेता है। तो आपने इसके ऊपर खर्चा भी कुछ नहीं करना, ये तैयार शॉप है। लिफ्ट जो है बिल्कुल लगने वाली है। आप ये देखें कि ये सामने जो है वो चाय फैक्ट्री भी आ चुका है। और आप बाकी जगह पर भी देखें तो फर्स्ट फ्लोर में जैसा जेसीज बैठा हुआ है, इस तरह यहाँ पर नीचे टस्कनी है, टस्कनी के बिल्कुल साथ जेसीज के बिल्कुल साथ KFC के बिल्कुल साथ टॉप फ्लोर पे थर्ड फ्लोर पे हमारे पास शॉप अवेलेबल है। अच्छा जी, पहले आपको मैंने नीचे दिखाया था, मैं आपको ऊपर दिखा दूँ। वो देखें सामने इस जब मैं प्लाजा में खड़ा हुआ हूँ तो ये ग्रीन वैली आ गया, ठीक है। और ये सामने रोस्टर्स आ गया, जुबैदास नीचे है, ये हमारे पास यहाँ पे मैकडोनल्ड्स है बिल्कुल इसके सामने। आप इसके नीचे देखें तो सिटिंग एरिया है, साथ इसके KFC बना हुआ है। KFC मैं आपको ऊपर से दिखा देता हूँ, ये जी KFC के साथ वाला प्लाजा है ये, ठीक है। और ये है शॉप, अभी करंटली हमारे पास जो है वो ये वाली शॉप है, ये जो है ये 750 स्क्वायर फीट बन रहा है, ठीक है। ये पूरे का पूरा आप देख लें तैयार प्लाजा है। और लिफ्ट यहाँ पे बस लग जानी है, तकरीबन एक हफ्ते के अंदर लिफ्ट लग जाएगी। बैक व्यू, बैक ओपन चेक करें, कितना खूबसूरत व्यू है यहाँ से। ये रिवर है आपका स्वां, ठीक है। ये आपका DHF फेज़ 1 है और पीछे अभी करंटली हेजी है, नहीं तो आपको पीर पंजाल पूरे का पूरा यहाँ से नज़र आता है, जो कि श्रीनगर के पहाड़ हैं, स्नो कैप माउंटेन्स आपको नज़र आते हैं। दूर आपको जो वो हाई राइज बिल्डिंग्स नज़र आ रही हैं, ये बैरिया टाउन की और DHF फेज़ 2 की भी हैं, ये सारा फेज़ 1 है और ये रिवर है, ठीक है। इसके साथ ही सीढ़ियों पर चढ़ी हैं चली जाएंगी रूफ टॉप में, आप इसको रूफ टॉप भी बना सकते हैं अपना। ये भी सीढ़ियाँ जा रही हैं, अंदर से जा रही हैं, रूफ टॉप पर भी हम रेस्टोरेंट एक्सटेंड कर सकते हैं, शॉप बना चाहिए, पार्लर बना चाहिए, कोई भी चीज़ यहाँ बना सकते हैं। ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है जो आपके लिए लेकर आए हैं। और मैं आपको बता दूं कि अगले 3 से 4 महीने में इसका रेट भी ऊपर चला जाएगा, इस पूरे एरिया का रेंट भी ऊपर चला जाएगा। इसकी लोकेशन में आपको एक और चीज़ बताता हूँ मैं कि बिल्कुल इसके साथ जो है वो टस्कनी बना हुआ है, जेसीज बना हुआ है। और अगर आपको इन शॉप्स के रेट्स पता लग जाएँ तो मैं आपको बताऊं कि आप मुफ्त में उठा रहे हैं जो मैं आपको ये बता रहा हूं। ये सारी सिटिंग जो है वो टस्कनी की है, टस्कनी कोर्टयार्ड की, ठीक है। ये बिल्कुल साथ वाली बिल्डिंग में नीचे ये टस्कनी है और उसके साथ ही ऊपर जो है वो है जेसीज है। और ये है अल्फतेह और ये पूरा वो एशियन वॉक और ये पूरी बेल्ट आप देखें, कितनी प्यारी लोकेशन, कितनी प्राइम लोकेशन पर ये प्लाजा है, ये शॉप है आपके पास। तो अगर आप चाहते हैं ये शॉप इन्वेस्ट करना है, इसके ऊपर लेना, बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट है, हमारे नीचे दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट करें और हम आपको ये विजिट भी करवा देंगे। और ये एक क्विक ऑफर है और मैं बल्कि आज मैंने कुछ एक पार्टी को विजिट कराने की भी लेकर आया हूँ, उनको भी दिखा दूंगा, अगर आप भी आ जाते हैं तो आपको भी दिखा दूंगा। और ये आप परचेज कर सकते हैं और फौरी तौर पे इसमें रेंटल वैल्यू ले सकते हैं। तो टिल नेक्स्ट टाइम, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।